हेलो दोस्तों, एम के अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वापस से असिस्टेंट प्रोफेसर का एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक नए एग्ज़ाम के बारे में। और दोस्तों, यहां पर इससे पहले मैंने दो वीडियो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के बना करके दे दिए हैं। और दोस्तों, उनमें भी आपको ये बताया था कि कुल कितनी उपस्थिति यहाँ पर रही है। और दोस्तों, इस वीडियो में भी आपको वही बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्ज़ाम में केवल और केवल 4.15%, यानी कि दोस्तों लगभग 4.5% या 4.25% यहाँ पर उपस्थिति रही है। और दोस्तों, यहाँ पर लगभग 96% जो कैंडिडेट है वो अनुपस्थित रहे हैं। तो दोस्तों, वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें 96% कैंडिडेट जो है अनुपस्थित रहे हैं? और दोस्तों, उसमें जो कॉम्पिटिशन है वो अब कितना कम हो चुका है वो आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, इसी के आधार पर आप अपना जो कट ऑफ है उसका अनुमान लगा सकते हो कि कितना कम यहाँ पर जो है कंपटीशन रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर यह है कि इस बार जितने भी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में कट ऑफ पिछली बार की मुकाबले जो है कम रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट जो है अनुपस्थित रह रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा वो सब्जेक्ट है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूँ कि आज यहाँ पर आपके लिए जो है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके मैंने यहाँ पर रखा हुआ है इस वीडियो में। और दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों, मैंने जो दो वीडियो बनाए थे उसमें एक मैंने जो PDF है वो बना रखा था, जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनके पोस्टें लिखी हुई थी। हालांकि दोस्तों, वो एकदम सही है। उसमें केवल और केवल जो दो सब्जेक्ट थे असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के, जैसे ABST का है और दोस्तों एक दूसरा और सब्जेक्ट था, इन दोनों में क्या है कि थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी पदों की। लेकिन दोस्तों, जो उपस्थिति है वो एकदम मैंने राइट बताई है। अब दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आप अपना जो यहाँ पर जो पोस्टें हैं, पोस्टों की जो संख्या है वो यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ पोस्ट। तो दोस्तों, जो टोटल पोस्ट हैं वो इसी लाइन में यहाँ पर है, और आप इसके इस रेड लाइन के इधर जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी की सारी ओरिजिनल पोस्ट हैं। आप इस नोटिफिकेशन को जो है खुद भी राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो साइट है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसके बारे में यहाँ पर न्यूज़ निकल करके आई है, तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो। ये दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन व PTI भर्ती 2023 का वो दोस्तों जो सब्जेक्ट है वो है आर्ट हिस्ट्री, यानी कि दोस्तों आर्ट हिस्ट्री का ये सब्जेक्ट है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हो कि 4.15% उपस्थिति रही है। तो दोस्तों, इसमें सीधा सीधा मैं बता दूं कि यहाँ पर 1953 जो कैंडिडेट है उनको एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया था, उनमें से केवल और केवल 81 कैंडिडेट ही एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे हैं, यानी कि 1872 जो कैंडिडेट है वो अनुपस्थित रहे हैं। इनमें दोस्तों अजमेर में लगभग 7 यहाँ पर जो सेंटर है वो रखे गए थे, उनमें से दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 सेंटरों पर, यानी कि एक सेंटर पर 4 ही कैंडिडेट पहुँचे, एक पर 6 कैंडिडेट पहुँचे और एक पर 9 ही कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए गए। और दोस्तों, जो बाकी जो सेंटर थे उनमें अधिकतम जो उपस्थिति रही है उन पर एक सेंटर पर 20 ही उपस्थिति रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा। और लगभग हर सेंटर पर 211 के बीच में जो है यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनको एग्ज़ाम के लिए रखा गया था। और दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जितनी भी कटिंग आती है अखबार की वो आप भी देख सकते हो, अखबार में आती है और इसके अलावा कई सारे जो टेलीग्राम ग्रुप्स है उसमें भी शेयर की जाती है। तो दोस्तों, ये एकदम सही है, ये कोई फेक नहीं है, ये केवल उपस्थिति है जो अखबार की तरफ से आपको बताया जाता है, और इसी का मैं आपको यहाँ पर जो है प्रयोग कर रहा हूँ। अब दोस्तों, इसमें आपने देख लिया है कि कितनी उपस्थिति रही है। इसकी जो ओरिजिनल पोस्ट हैं आर्ट एंड हिस्ट्री की, वो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आर्ट हिस्ट्री है उसकी यहाँ पर केवल 2 पोस्टें हैं, और 2 पोस्टों पर यहाँ पर जो है लगभग 81 कैंडिडेट। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 40 कैंडिडेट, या देखा जाए तो 40.50, यानी कि लगभग 41 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन में रहने वाले हैं। और दोस्तों, इसके अलावा जो कॉमर्स वाले जो कैंडिडेट हैं उन्होंने कहा कि हमारी जो पोस्टें हैं वो इतनी है, तो दोस्तों वो भी इस लाइन में अपनी जो पोस्टें हैं वो देख सकते हैं कि कितनी पोस्टें हैं। और दोस्तों, जो भी कैंडिडेट है यानी कि कॉमर्स के हैं या दूसरे सब्जेक्ट के हैं, वो भी अपनी ओरिजिनल जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है RPSC की तरफ से जारी किया गया, जो 22/6/2023 को जारी किया गया था, आप इसे खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा है कि यहाँ पर कितना कम कंपटीशन इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में रहने वाला है, और आपकी जो कट ऑफ है लगभग सभी सब्जेक्ट्स की बता रहा हूँ दोस्तों मैं, इस बार काफ़ी कम रहने वाली है। और दोस्तों, जल्द ही मैं यहाँ पर जो कट ऑफ का एक वीडियो है वो भी लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही दोस्तों ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें।